तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो A52s में जो नया अपडेट आया था अक्टूबर का, उसके बारे में मैं आज आपको रिव्यू करके बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि सैमसंग A52s का नया अपडेट आ चुका है अक्टूबर का, जिसमें अक्टूबर की सिक्योरिटी पैच को अपडेट कर दिया गया है। आज मैं उसी अपडेट का रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ क्या उसमें चेंजेस मिले, क्या बग्स मिले, क्या परफॉर्मेंस है, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ अपडेट के रिव्यू करके बारे में। तो उसके लिए पहले जा रहा हूँ आपको सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पे, और यहाँ पर आ गया लास्ट अपडेट पे। तो आप देखेंगे इस अपडेट को 16 अक्टूबर को रिलीज किया गया था और मैंने इसको 16 अक्टूबर को ही डाउनलोड कर लिया था 6:37 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, इस अपडेट में कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए गए, या बोल सकते हैं कुछ नए फीचर्स को ऐड ऑन नहीं किया गया था, सिर्फ अक्टूबर की सिक्योरिटी को यहाँ पर अपडेट किया गया था, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। तो अब बात करें इस अपडेट्स में क्या आपको लगता है कि क्या बग्स लगे और क्या चीज चेंजेस लगे। इस अपडेट में मुझे एक बग लगा था जो कि मैंने उसी वीडियो बता दिया था, वो था ब्राइटनेस का, कि ब्राइटनेस बहुत जल्दी ऑटोमेटिक कम हो जा रही थी। अगर मैं सेंसर पे ऐसे करके हाथ रखूं या कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूं जिसमें सेंसर को बंद कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लो हो जा रही थी। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ उस टाइम, बट धीरे 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 उस वो जैसे बोल सकते हैं मानो टाइम होता गया, वो चीज़ यहाँ पर बग्स मुझे अब नहीं लग रहा है। पहले था, पहले दिन मुझे वो बग लगा, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा बग नहीं लग रहा। और परफॉर्मेंस वाइज चला के देखें, चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, मोबाइल एक नंबर चल रहा है। अगर आप चलाएंगे, चलाने में कोई भी इशू नहीं है। बस थोड़ा सा मुझे एक बार दो बार लगा कि थोड़ा सा ये स्लो वर्क कर रहा है, बिकॉज़ जो उसकी स्पीड थी ना स्टार्टिंग में, कोई पॉपअप खोलने की बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। अगर मैं कोई चीज़ ऑन कर रहा हूँ या किसी चीज़ को ओपन कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। बट अब जाके अगर आप इसको चला के देखेंगे तो अभी आपको लगेगा यार नहीं यार, परफॉर्मेंस में ऐसा कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट की बेस्ट ही है, मतलब अभी फ़िलहाल तो बेस्ट है। और बात करें यहाँ पर बैटरी की या बोल सकते हैं हीटिंग की, तो मुझे ऐसा दोनों ही नहीं लगे। गर्मी इतनी है हमारे इधर अभी, तब भी यहाँ पर हीटिंग का कोई इशू नहीं है, और मैं अभी फ़िलहाल तो विदाउट केस चला रहा हूँ, तो मुझे तो हीटिंग का कोई इशू लग नहीं रहा। कंटिन्यू मैं चलाता हूँ, नेट मेरा कंटिन्यू चलता रहता है, लोकेशन ऑन रहती है, ब्लूटूथ ऑन रहता है, उसके बाद भी कोई हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। हीटिंग की तो एक रुपये की इशू नहीं है। अगर आपने अभी तक ये अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो बैटरी को भी कोई भी इशू नहीं है, बैटरी यहाँ पर अच्छी खासी चल रही है। मतलब कि अगर आप एक बार चार्ज करेंगे तो फुल डे डेफिनेटली चल जाएगी, फुल डे तो चल ही जाएगी, उसके आज ज़्यादा ही चल रही है। मैं चला रहा हूँ, मेरी तो फुल डे से ज़्यादा ही यहाँ पर चलती है। तो आपको दिखाने के लिए मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे, और यहाँ ले जा रहा हूँ बैटरी एंड डिवाइस केयर में। बैटरी एंड डिवाइस केयर में यहाँ चला गया बैटरी में, बैटरी में चलने के बाद यहाँ चला गया बैटरी यूजर्स में, सॉरी मैं यहाँ पर चला गया यूजर्स लास्ट सेंस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट जो मैंने मोबाइल अभी चार्ज किया 5 घंटे पहले चार्ज किया था, और अभी भी 68% मेरी बैटरी है। आप देख सकते हैं लगभग 32% ही मेरी बैटरी यहाँ पर ख़त्म हुई है, और उसमें मैंने पीक टाइम आप देख सकते हैं 1 घंटा मैंने मोबाइल भी यूज़ करा है, उसके बाद भी यहाँ पर बैटरी यहाँ पर है। और अगर 7 डे का देखें तो मैंने 16 तारीख को अपडेट किया था, 16 से पहले का अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो मैंने 9 घंटे मेरा स्क्रीन ऑफ टाइम रहता था और 4 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम रह रहा था चार्ज करने के बाद। और ऐसे ही आप अपडेट करने के नेक्स्ट डे 17 तारीख को ही आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन ऑफ टाइम 17 घंटे 50 मिनट और स्क्रीन ऑन टाइम 3 घंटे 26 मिनट। ऐसे ही 18 को भी देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज ही है, कम नहीं है। तो बैटरी परफॉर्मेंस में यहाँ पर मुझे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट लगा है। ओवरऑल ये अपडेट अच्छा है, और आने वाले टाइम पे इसमें 1UI 6 का बीटा अपडेट भी आने वाला है, तो वो भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आपने अभी तक नहीं करा तो अपडेट जरूर कर लेना। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पर भी मुझे फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि सब चीज़ अपडेट आपको सबसे पहले मिलते हैं। थैंक यू।